नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। मिशन 2019, सरकार, समीक्षा और सवाल। जी हां, उत्तराखंड प्राइम में बात होगी सबसे पहले इसी मुद्दे की। केंद्र सरकार की कुछ अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रफ्तार को जानने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को दून पहुंचे। दून पहुंचने के बाद नितिन गडकरी ने सरकार के सरदार और संबंधित अधिकारियों के साथ राउंड टेबल पर बैठकर योजनाओं की जानकारी हासिल की। कुछ सुना, कुछ कहा, कुछ अधिकारियों को आदेश दिए, मगर सवाल ये कि जिन भी योजनाओं की समीक्षा की गई, आखिर वो धरातल पर कब उतरेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर राजनीति को थोड़ी देर के लिए एक तरह से हटा दिया जाए तो जनता भी तो जानना चाहती है कि आखिर जो बड़े बड़े सपने 2014 में दिखाए गए थे वो आखिर कब पूरे होंगे। सपने बांटने वाली भाजपा अब 2019 की ओर भले ही बढ़ चली हो, मगर जनता को भी जवाब देना है, और ऊपर से सियासत क्या है पूरा मामला, इस पर होगी विस्तार से बातचीत। साथ ही आज आपको एक बार फिर काशीपुर लेकर चलेंगे। सोमवार को भाजपा के घर को जाना था, आज जरा बात करेंगे कांग्रेस के घर की। यहां भी हालात ज्यादा जुदा नहीं है, मगर यह आपके लिए भी जानना जरूरी है कि काशीपुर कांग्रेस में कौन कौन दावेदार लाइन लगाकर टिकट मांग रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, इस पर होगी विस्तार से बातचीत। मगर सबसे पहले बात होगी प्राइम के पहले मुद्दे की। तो नितिन गडकरी पहुंचे सोमवार को, तमाम विषयों को लेकर के विस्तार पूर्वक उन्होंने बातचीत की, कुछ बातें कहीं, कुछ सुनी, लेकिन सवाल यही कि आखिर में क्या कुछ बातें हुई और इस समीक्षा बैठक से क्या कोई फायदा होगा या नहीं होगा, और किन विषयों को लेकर के बातचीत हुई, क्या वाकई में इस बैठक के बाद जो तमाम परियोजनाएँ हैं उनमें तेजी आएगी। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलती जरा ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे सवाल जवाब की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को दून में चार धाम ऑल वेदर रोड की प्रगति और राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के संबंध में भी बैठक ली। दिल्ली से दून आकर गडकरी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केंद्र के महत्वाकांक्षी परियोजना चार धाम ऑल वेदर रोड की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ऑल वेदर रोड के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी देते रहे और केंद्रीय मंत्री सरकार के सरदार की एक एक बात को के बाद आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पहुंचे उत्तराखंड और तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ निकला है, क्या कुछ निकल सकता है, इसको लेकर के हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन जरा अब कई सारे सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के आते हैं और उन सवालों के जवाब फिर हम एक एक करके तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर एक ये कि केंद्रीय मंत्री की ओर से हुई समीक्षा बैठक से आखिर में क्या कोई असर होगा, क्या वाकई में तेजी आएगी। सवाल नंबर दो, क्या 2019 तक तमाम योजनाएं पूरी हो जाएंगी या फिर उसके लिए और लंबा इंतजार करना होगा। सवाल नंबर तीन ये कि अच्छा ये ना होता कि समीक्षा के बजाय केंद्रीय मंत्री फील्ड पर उतरें और तमाम जानकारी लें और स्थिति की खुद समीक्षा करें। और आखिरी सवाल ये कि सरकार अगर समीक्षा कर रही है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके हम तलाशेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। नमस्कार। नमस्कार मथुरा जी, पहला सवाल आपसे यही कि अब केंद्रीय मंत्री समीक्षा बैठक करने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी इस पर टिप्पणियां भी आई। सवाल ये है, अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं, जानकारी लेते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हो सकता है अगर कुछ कहीं पर कुछ कमी चल रही हो तो हो सकता है कुछ तेजी आए,
कहीं पर कुछ चूक हो रही है तो हो सकता है वो बेहतर हो, तो आपत्ति क्या है इस पर? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, आप जो बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आए तो जो कहीं चूक हो रही, गलती हो रही, उसको पूरा करें, उसको सुधार करें, उसको ठीक करें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बातें हैं इसमें, देखिए 3.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल है, 4.25 साल हो गया, तो मान लेते हैं क्या 4.25 साल की एक भी उपलब्धि केंद्र की सरकार बताने को तैयार है उत्तराखंड के लिए उन्होंने किया हो? आप एक बात को रोना रो रहे हैं, एक ही बात को रटे जा रहे हैं कि ऑल वेदर रोड, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता है कि नहीं है, ऑल वेदर रोड की जो परिकल्पना थी या जो एस्टिमेट बनने थे या जिस तरीके से काम होना था, श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी सड़क परिवहन मंत्री थे तो तब से चल रहा है, तो नई बात नहीं थी। आप नमामि गंगे का चार्ज आज नितिन गडकरी जी पर है, ये बता दें गोमुख से लेकर गंगा नदी निकलती है, गोमुख से हरसिल आता है, गंगोत्री आती है, हरसिल आता है, पतवाड़ी कस्बा आता है, उसके बाद मनेरी भाली आता है, उसके बाद उत्तरकाशी आता है, उसके बाद किनैली सौड़ आता है जी, उसके बाद छाम से ऊपर गंदी सौड़ वाला इलाका आता है, तो तमाम शहर जो गंगा के किनारे आते हैं, क्या उनके मलमूत्र के डिस्पोजल की व्यवस्था सरकार ने कर दी है? गंगा सफाई की बात करें, और अगर आप अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करें, अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है, जो बद्रीनाथ हमारी एक टाउनशिप है, और केदारनाथ तो तबाह हो गया, लेकिन बद्रीनाथ की टाउनशिप में कहीं पर भी इन्होंने मलमूत्र के डिस्पोजल की व्यवस्था कर दी है, और जोशीमठ आता है, पिपलकोटी आती है, उससे नीचे हमारे और भी शहर है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है, और श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, तमाम शहर है जो गंगा सहायक नदियों के किनारे आते हैं, काली से लेकर यमुनोत्री तक 7 और 8 गंगा की सहायक नदियां हैं, उनके किनारे बसे हुए शहरों का क्या होगा? उसमें अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा। अगर केंद्र सरकार ने से जो हम हाईवे मांग रहे हैं, जो बैरसैंड की कनेक्टिविटी के लिए हरीश की सरकार ने चार पांच रोडों का प्रस्ताव दिया था कि इनको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया जाए, उनमें से एक भी घोषित करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम ग्रीन बोनस की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, आज पार्लियामेंट में है वही लोग, पार्लियामेंट में ही है वो लोग ग्रीन बोनस की बात करते थे। पीके चतुर्वेदी की कमेटी जो प्लानिंग कमीशन में थी, पर्वतीय मामलों को देखती थी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो पर्वतीय हमारे हिमालयन स्टेट है उनके बारे में जो देखती थी, पीके चतुर्वेदी कमेटी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए पर ईयर ग्रीन बोनस की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। आज 3.5 साल बहुत ठंडे बस्ते में भरा हुआ है। हिमालय के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं जी, उसके लिए कोई नीति नहीं बनी है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम चक्र बदल रहा है, उसके लिए आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पर्वतीय क्षेत्र से जबरदस्त पलायन हो रहा है, केंद्र सरकार ने अभी तक लेकिन मथुरा जी बहुत लंबा आपको समय दिया, मेरा सवाल ये है कि अभी सरकार को 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, आप इन मैं विपुल जी मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार 4 साल से 3.5 साल से जी जी 4 साल मई में पूरे हो जाएंगे उस सरकार की, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। ये 9 महीने में तो क्या करेंगे, ये तो 9 महीने में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं फिर बता दूँ आपको, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस 9 महीने की सरकार के राज्य कार्यकाल में उत्तराखंड में पहली बार आदिकाल से अनादिकाल से उत्तराखंड जब बना होगा, उत्तराखंड वेद और पुराणों की बात कर रहा हूँ, राज्य बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब राज्य बना होगा उत्तराखंड, पहली बार किसी बालिका की भूख से मृत्यु हुई है, पहली बार इस प्रदेश में 7 किसानों ने आत्महत्या की है, पहली बार इस प्रदेश में जहर खा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई व्यक्ति जाता है। चले मथुरा जी आता हूँ आपके पास, आपको पूरा समय मिला, मैं अब हमारे साथ एक बीजेपी से भी मेहमान जुड़ चुके हैं, बलजीत सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जो कल केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे समीक्षा बैठक के लिए। मथुरा जी कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार ने किया क्या है, न
नमामि गंगे का जिक्र किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब ऑल वेदर रोड और तमाम चीजों को लेकर के बात की जा रही है, अब तक कुछ नहीं हुआ। 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड में, तो अब क्या होगा? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। इन्हें उत्तराखंड का विकास दिख नहीं रहा, केंद्र का विकास दिख नहीं रहा है जी। 12,000 करोड़ रुपया पहले आया, जिसकी की 2 किस्तें जारी हो चुकी है, दिन रात उस पर कार्य चल रहा है। और इसके बावजूद कल मेरे ख्याल से 60,000 करोड़ रुपया कल तक पूरा हो चुका है, जो उत्तराखंड के हिस्से में NHAI ने दिया है। आवड़ तोड़ अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और पूरी केंद्र सरकार लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है। मोदी जी दो दौरे केदारनाथ जी के खुद करके जा चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को अगर विकास कार्य नहीं दिख रहे तो उसका तो कोई प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हेलो जी, जी जी अब हेलो जी जी अपनी बात रखिए पूरी। हो गई आपकी बात पूरी? जी मैं कह रहा हूँ भाई साहब जी, अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस को विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन तो मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन लेकिन बलजीत जी, मथुरा जी से हम जवाब लें, उससे पहले ये सवाल तो उठेगा ना कि नमामि गंगे को लेकर के इतना ज्यादा जिक्र हुआ क्या आप तक? लोग तो ये पूछेंगे कि इन 4 सालों में गंगा कितनी साफ हुई। नमामि गंगे पे लगातार कार्य चल रहा है जी, जितने वहाँ के जो होटल और जो व्यवसायी थे उनको नोटिस जारी हो चुके हैं और लगातार सरकार इस पे मॉनिटरिंग कर रही है और वहाँ जो निर्माण कार्य लोग ये पूछ रहे हैं ना बलजीत जी कि आखिर में रिजल्ट क्या है अब तक? मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, लेकिन आप इस बात को मानिए कि गंगोत्री से लेकर के बनारस तक कोई एक दिन का खेल नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को समाप्त करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। नमामि गंगे की 3 बैठकें तो मैं समझता हूँ पिछले 1 साल में हरिद्वार में हो चुकी है। नहीं, बैठकों का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, तो रिजल्ट को देख रहे हैं सर। बैठकें तो बहुत हुई हैं, 3 क्या हमको लगता है कि 300 हुई होंगी अलग अलग जगहों पर। लेकिन सवाल यह है, जब हम लोग देखते हैं गंगा की स्थिति अलग अलग जगहों पर, वहां पर कोई सुधार नहीं दिखाई देता है। अब मंत्री जी कहते हैं कि दाह संस्कार के लिए जो है वहां अस्थियां ना प्रवाहित की जाए, उसको लेकर के साधु समाज नाराज हो जाता है, तो रिजल्ट तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मथुरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा सुन लेते हैं। मथुरा जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत पड़ गई है, कांग्रेस को कभी विकास दिख ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं, उनको तो आदत उनकी है ना। मैं एक बात आपको बता दूं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अभी क्योंकि भाजपा जगह जगह जीत रही है, बन रही है, उनको विकास का, मैंने कहा ना कि इस सरकार की निर्लजता में एक शब्द अब करना नहीं चाहता हूँ। आप जानते हैं मैं बहुत कम किसी के लिए कोई कटु शब्द का इस्तेमाल करता हूँ जी। इनको तो वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आपके कार्यालय में एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं GST और नोटबंदी से परेशान हूँ और मैंने बार बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार है, वो वर्जन है, सारे लोगों ने दिखाया, हमने नहीं किया, इन्हीं के कार्यालय में रिकॉर्ड करने वाला भी इन्हीं का आदमी होगा, उस व्यक्ति को कार्यालय में लाने वाला भी इन्हीं का व्यक्ति होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद करता होगा या नापसंद करता होगा, मैं नहीं कहना चाहूंगा। जाने देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है, मैंने कहा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है मथुरा जी, आप तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता, अभी आप जिक्र कर रहे थे इन लोगों ने ये पलायन नहीं रोक पाए, ये कुछ कर नहीं पाए, सवाल ये उठता है कि अभी ये तो 9-10 महीने की सरकार है, आपने कितना पलायन रोक लिया? ये मतलब जब आप एक उंगली उठाते हैं, ये हमेशा उंगलियां उठेंगी आपके ऊपर, और कम से कम अभी साल दो साल तो उठेंगी, क्योंकि 5 साल पूरी सरकार आपकी रही है। निश्चित रूप से उंगलियां उठेंगी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप अभी निकाल लीजिएगा 4-5 दिन पुराना निर्णय, जिस धान की खेती के लिए, मैं आपको बता दूंगा सर जी। जी मथुरा जी आपसे नहीं, बलजीत जी कुछ बोल रहे थे जी, अपनी बात रखिए मथुरा जी आप। मैं एक बात कहूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ इस सरकार की, जिस भांग की खेती के लिए, जो भांग की खेती हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है, हमको बाय एक्ट जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने ब्रिटिश काल में
पास किया था कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में धान को कृषि का दर्जा दिया जाता है, वो उत्पादन कर सकते हैं। उस खेती को बढ़ावा दिया हरीश रावत जी ने, रोजगार बढ़ेगा जी। चलिए चलिए सर, जरा जरा अब जरा उस मुद्दे पर आते हैं। आज का विषय हमारा जो है वो जो केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ है उस विषय पर जरा हम दोबारा आते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी हमारे साथ भी उपलब्धता कम रहती है। बलजीत जी, आपसे सवाल ये है कि टारगेट दिया जा रहा है 2019, क्योंकि 2019 से पहले क्या वाकई में ये जो तमाम परियोजनाएं हैं, खासतौर से ऑल वेदर रोड को लेकर के जो सपने दिखाए गए हैं और नमामि गंगे, ये दो चीजें क्या 2019 से पहले पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? मेरा सवाल बड़ा सीधा है और आपसे। देखिए भाई साहब, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं किसी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस का शासनकाल तो है नहीं कि एक फाइल इधर से जाएगी और वहां रुक जाएगी और वहां से जाएगी और वहां रुक जाएगी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने डैशबोर्ड भी लॉन्च करा है, आपको पता होगा। जब लगातार यहाँ के अधिकारी पीएमओ के संपर्क में है और एक टाइम सारी कंपनीज को दिया जा रहा है लगातार इन कार्य योजनाओं पर कार्य करने के लिए, तो मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप समझ सकते होंगे, इतना बड़ा मुआवजा जाना है जी। इतना सामान, इतनी बरसात, इतनी कठिन परिस्थितियों में जब यहाँ से मजदूर जाकर के वहाँ कार्य करेंगे तो कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। आसान कार्य तो सर 2019 भी नहीं होने वाला आपके लिए। 2019 में भी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि 2014 में जो प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, वो उसका बेस्ट प्रदर्शन था, वो इससे बेहतर प्रदर्शन हो नहीं सकता। देखिए अभी अभी इस पर बहुत जल्दी होगा कुछ कहना। अभी जब जवाब निकल करके आएंगे सारी योजनाओं के, तो अपने आप भारत की जनता समझ जाएगी कि उसके लिए कौन कार्य कर रहा है और कौन सी पार्टी कार्य कर रही है। समस्या यहाँ आ रही है कि इसीलिए भाई साहब, इसीलिए मेरी बात पूरी होने देखिए प्लीज, इसीलिए देखते देखते पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी बनकर के उभरे हैं। ऐसे ही नहीं कोई लोकप्रिय हो जाता बिना किसी कार्य को करे। आज जनता अगर उन्हें पसंद कर रही है तो जनता देख रही है कि जो व्यक्ति कोई भी कार्य अगर वो कर रहा है तो इस देश के लिए कर रहा है, अपने खजाने भरने का कार्य वो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। जरा सवाल यहाँ पर ये परियोजनाएं होगी जी, सवाल 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 यहाँ पर ये बलजीत जी, सवाल ये उठ रहे हैं ना कि एक तरफ तो 2019 का टारगेट रखा जा रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं को लेकर के 2022 की बात करने लगे हैं। किसानों की आमदनी दुगनी होगी 2022 में, सबको घर मिलेगा 2022 में, मैंडेट आपको 2019 तक का मिला है जी। अगर 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 मानिए, अगर एक व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है और उसको आर्किटेक्ट ये कहता है कि आपका मकान 18 महीने में कंप्लीट होगा, तो वो व्यक्ति 18 महीने के हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करता है। कुछ योजनाएं अगर ऐसी हैं उसमें 22 और 19 नहीं है, 22 में तो कहीं दोबारा चुनाव नहीं होना लोकसभा का, आप 22 की बात कर रहे हैं जी। तो लोकसभा का चुनाव दोबारा 22 में नहीं, वही मैं कह रहा हूं। मैंडेट आपको, आपने जो 2014 में प्रॉमिस किए थे कि 2019 तक ऐसा कर देंगे, अब आप 19 की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप 22 की बात करने लगे। हम 19 की बात कर रहे हैं और जितनी योजनाएं हमने कही थी उन योजनाओं पे लगातार कार्य कर रहे हैं और जनता उनके रिजल्ट को लगातार देख रही है। चलिए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है बाकी स्टेट में। चलिए अब यूटर्न आते राजनीति के अंदर, लोकतंत्र में समय पता नहीं चलता है कब यूटर्न आ जाता है जी। चलिए मथुरा जी, आखिरी टिप्पणी संक्षेप में आपकी इस पूरे विषय के ऊपर, और अब हम लोगों को अब ब्रेक के लिए और इस विषय को समाप्त करना है। बहुत छोटी टिप्पणी सर, मथुरा जी। देखिए ये सरकार केवल 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 अभी करने के अलावा, जनता को विकृत करने के अलावा, विषय से अपने ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके की बातें की। जैसा आप अभी, मैं आप ही को सुन रहा था, मैंडेट मिला 2019 के लिए, 19 तक के लिए, 14 से 19 तक के लिए बात करते हैं, 2022 में हम ये काम करेंगे, आवाज देंगे तो 2022 तक देंगे, आमदनी दुगना करेंगे 2022 तक करेंगे, विद्यार्थियों को नौकरी देंगे तो 2022 तक देंगे। भाई 19 तक क्या क्या ये तो बता दो, साढ़े चार साढ़े तीन साल की उपलब्धि अगर सरकार बताए तो अच्छा रहेगा। और 9 महीने की सरकार का तो मैंने हाल बता दिया कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, रोजगार बेरोजगार रोजगारी के लिए तड़प रहा है, तो तमाम तरीके के मुद्दे हैं इस सरकार के सामने। इस सरकार ने केवल 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 चाहे राज्य और प्रदेश की डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकारों ने
जनता को बेकूफ बनाने के सिवा चलिए करने के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मथुरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो है आज के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे जो कि दूसरा मुद्दा है काशीपुर मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे उत्तराखंड, वहां पर की गई है समीक्षा बैठक और इस पर आई है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले सुनते हैं कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है इस पर। गडकरी जी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं, उन्होंने वो पूर्व में भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि जो हरिद्वार से देहरादून जो नेशनल हाईवे है ये 2017 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा और अब आए अब कह दिए कि 2018 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन जो हालात हैं उन स्थितियों में कहीं पर भी नहीं लगता है कि ये एनएच जो है बनकर के तैयार होगा। आज इस देश के अंदर जितने भी एनएच हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है नितिन गडकरी जी करते हैं, कहते हैं कि हम इतने एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बनाते हैं, हमने ये कर दिया और ये कर दिया, लेकिन करते देखिए जिस तरह से इन्होंने गडकरी जी ने 2014-15 में बोला कि 17 तक हम देहरादून हरिद्वार हाईवे को तैयार कर देंगे, अब वो ये तैयार नहीं कर पाए तो अब ये कह रहे हैं 18 तक कर देंगे। वहीं प्रधानमंत्री जी को आप देखिए कि सब उनके जितनी भी घोषणाएं थी उसका टारगेट 2019 था और 2019 से अब उन्होंने गोल पोस्ट को 2022 में सरका दिया है, तो निश्चित तौर पर लगातार जनता के साथ खिलवाड़ और जनता के साथ झूठे वादे करने का काम भाजपा कर रही है। और जहां तक रोड कनेक्टिविटी की बात गडकरी जी यहां पर करने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को उनका मकसद है। सरकार को आज तक तो कुछ हुआ नहीं और आज खाली आप बयानबाजी करके अखबारबाजी करके आज भी आप नई चेतना आ रही है आप लोगों को, आज भी आप जो है आपके सामने आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, कहाँ किसके खड्डे, कितने एक्सीडेंट, आज भी देखिए आप सड़कों के इतने बुरे हाल हैं, आज ऋषिकेश में कितनी बड़ी घटना हुई है, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, सड़कों के बुरे हाल है, आप जो लाइटनिंग होनी चाहिए रात को उस लाइटों का हाल आप देख लीजिए, तो आप किस बात की बात कर रहे हैं, कौन सी ऑल वेदर रोड, कौन सी सड़कें आप बनाने की जा रहे हो, जब आदमी ही नहीं रहेगा किसके लिए ये बने, आज स्थिति ये हो गई। आज आम जगह देखिए आप जो सड़कें जहाँ अच्छी भली सड़कें थी उनका भी बहुत बुरा हाल है। कुछ और कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आए, उनको भी सुनते हैं और उसके बाद बात आज के दूसरे मुद्दे की, काशीपुर मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा। भारतीय जनता पार्टी किस कनेक्टिविटी की बात करती है, यहाँ चारधाम पहले सड़कों से जुड़ा हुआ है, पहले यहाँ की सड़कें जो है हॉट मिक्स बनी हुई है, आपदा का यहाँ प्रभाव है, बर्फ का यहाँ प्रभाव है, भूकंप का यहाँ प्रभाव है, क्या इससे निपटने के लिए सरकार ने कोई दूरगामी कोई योजना बनाई है क्या? आज कलियासोर में जब हमारा आपदा आती है तो उसको बचाने का कोई ट्रीटमेंट है क्या? लामबगड़ में हमारा डे बाय डे हर दिन वहाँ पे हादसे हो रही है, गाड़ियाँ गिर रही है, लोगों को चोटें लग रही है, गाड़ियाँ लोगों की नुकसान हो रही है, यात्रा बाधित हो रही है, सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा क्या? और ये क्या है ऑल वेदर रोड? सारे गढ़वाल के सारे जितने पेड़ थे, जितना पर्यावरण था, सब खत्म करके रख दिया है, लोगों के बाजार उखाड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, मुआवजे के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। अरे भाई, एक तरफ तुम उत्तराखंड को बसाने की बात करते हैं, एक प्लान आयुक्त की बात करते हैं, दूसरी तो तुम पहाड़ को खाली करना चाहते हैं, तो क्या इससे पहाड़ बन जाएगा क्या? क्या उत्तराखंड का निर्माण हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल नारे देती है और नारे के अलावा बाकी धरातल पर कोई काम। देखिए, केंद्र सरकार पिछले 4 साल से लगातार बयानबाजी कर रही है,
कि उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए सरकार के सारे दरवाजे खोले हुए हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए सड़कों की जो भी योजना उसके लिए सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि आज 10 माह का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी हो गया है कि केंद्र ने कहीं भी ऐसा कहीं मदद करने का प्रयास किया हो जिससे कि उत्तराखंड राज्य कहीं विकास की ओर दिखे। काशीपुर मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा। जी हाँ, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काशीपुर। उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला काशीपुर का इतिहास भी काफी अद्भुत रहा है। बताया जाता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य की राजधानी रही है, जहां द्रोणाचार्य अपने पांडव शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वहीं मान्यता ये भी है कि महाभारत काल के चर्चित पात्र अश्वत्थामा का जन्म भी यहीं हुआ था। लंबे चौड़े इतिहास को अपने में समेटे काशीपुर सियासी आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है। यहाँ खूब सियासी महाभारत देखने को मिलती है। मेयर पद के लिए भी जहाँ भाजपा के भीतर बवाल मचा हुआ है, तो कांग्रेस में भी कश्मकश चल रही है। आज जरा इसी कश्मकश को समझेंगे। काशीपुर कांग्रेस की बात करें, मगर उससे पहले आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने और दावेदारों से बात करने के लिए हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एक एक दावेदारों से बातचीत की। इन सबके इतर यहां कांग्रेस का इतिहास भी दिलचस्प रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से मेयर पद से कांग्रेस के हाथ नहीं लग रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये भी जानेंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए जो हमारे सहयोगी ने आपके लिए तैयार की है। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी काशीपुर में नगर मेयर को लेकर के कांग्रेस में भारी जद्दोजहद और कश्मकश देखने में मिल रही है। जहां पंडित एनडी तिवारी की ये कर्मभूमि कांग्रेस के लिए कभी वरदान हुआ करती थी, वही आज कांग्रेस काशीपुर मेयर की सीट को हत्याने के लिए कमोबेश जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। काशीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशियों में जहां टिकट को लेकर के भारी होड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि काशीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। काशीपुर नगर निगम में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं में आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी बनने के लिए द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। विकास पुरुष के नाम से मशहूर पंडित नारायण दत्त तिवारी की कर्म भूमि रहा काशीपुर क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ और सबसे मजबूत किला माना जाता था, पर पंडित जी के काशीपुर से नजर फेर लेने के उपरांत स्थानीय नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई का बीजेपी ने फायदा उठाते हुए काशीपुर को बीजेपी के किले के रूप में तब्दील कर दिया, जिसका सबूत है कि यहां चार बार से बीजेपी से हरभजन सिंह चीमा ने न सिर्फ जीत का परचम लहराया, बल्कि पिछले 15 सालों से कांग्रेस नगर निगम की पहुंच से दूरी बनी है। अगर बात की जाए मेयर टिकट को लेकर कांग्रेस में मारामारी की, तो यहां भी पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए कई दावेदार लाइन लगाए खड़े हैं। पार्टी के वर्तमान महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल रेस में खुद को सबसे आगे मानकर चल रहे हैं। संदीप सहगल का मानना है कि अगर आला कमान उन्हें टिकट के तौर पर आशीर्वाद देता है, तो यकीनन वो इतिहास रचते कमल को उखाड़ निकाय में पंजे को इतना मजबूत कर देंगे जिससे कोई भी विरोधी दल उसे हिला तक नहीं पाएगा। पार्टी देखिए अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो बहुत मजबूत दावेदारी है, और इस समय जो माहौल है वो भाजपा के खिलाफ माहौल है। हम सभी धर्मों को एक साथ लेकर, सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, युवाओं का साथ लेकर और पूरे जोश के साथ, मुझे लगता है कि सीट हमारी हर कीमत पर निकलेगी और मजबूती के साथ निकलेगी। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव अरुण चौहान और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे से आसिफ रजा का दावा है कि पार्टी की खोई साख
वही वापस ला सकते हैं। आसिफ रजा का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में पंजे को मजबूत करने और पार्टी के अच्छे दिन वापस लाने के लिए अपना खूब पसीना बहाया है, लिहाजा उन्हें पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर दिल्ली वाले मेयर पद के लिए उन्हें टिकट का प्रसाद देते हैं तो यकीनन वो पार्टी को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। क्योंकि मैं एक सीनियर कांग्रेसी हूं और मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और जनता के बीच में अच्छा मेरा असर है, जनाधार है और जनता भी ये चाहती है, इसलिए पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए और देगी। मुझे आज 1984 से मैं NSUI में ब्लॉक अध्यक्ष बना था, 2 बार मैं प्रदेश कांग्रेस में सचिव रह चुका हूँ, जिले अन्य पदों पर मैं बराबर रहा हूँ पार्टी में और मैंने पार्टी का बहुत काम किया है, लगातार कार्य करता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरे बड़े नेता मुझे टिकट देंगे। जैसे कि अभी मैंने ज्ञात हुआ है अप्रैल में चुनाव होने नगर निकाय के, इसमें सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से हम लोग 12 सालों से जुड़े हैं और जो भी दावेदार हैं मैं समझता हूँ हम लोग युवा हैं, मैं युवा हूँ और मेरे सामने मेरी दावेदारी इसलिए मजबूत समझता हूँ क्योंकि मैं संगठन से बहुत समय से जुड़ा हूँ, संगठन में मैंने बहुत काम किया है। आज पहली बार मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया है और कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ, टिकट मेरे को ही मिलेगा मुझे पूरी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कई बार बीजेपी के लिए सिरदर्द बने और पार्टी के पूर्व विधायक एवं बीजेपी से निष्कासित पार्टी के कद्दावर नेता रहे राजीव अग्रवाल को लेकर सत्ताई गलियारों में चर्चा है कि वो कांग्रेस की गोद में बैठकर कांग्रेस प्रत्याशी बनकर सामने आएंगे और काशीपुर नगर निगम में भाजपा किले को ढा देंगे। खैर, राजीव अग्रवाल फिलहाल तो कमंडल में विराजमान है, भविष्य में भाजपा में क्या उथल पुथल रहती है इस पर भी नजर रहेगी। मैंने मन बना लिया अपना चुनाव का, मेयर का चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर मैं किसी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ूंगा इस बार, अन्यथा निर्दलीय लड़ने का मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। और चुनाव में हार जीत का तो एक दूसरा विषय हो जाता, लोगों को खलबली मेरे नाम पर बचने स्वाभाविक है और मैं चाहता हूँ क्षेत्र में कोई एक अच्छा मेयर निकल करके आए जिससे काशीपुर में जो दुर्दशा हो गई है उसका कोई उसमें सुधार हो सके। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम दावेदारों में आला कमान किस पर मेहरबान होता है, क्योंकि किसी एक को चुनना या किसी एक को टिकट का प्रसाद देना आला कमान के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। हाँ, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आला कमान की ओर से अभी से ही पार्टी नेताओं के मन टटोले जा रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में टिकट के दावेदारों में से कौन बाजी मार पाता है और किसका पत्ता साफ होता है ये पता ही चल जाएगा। रफी खान, काशीपुर, चैन टीवी। चलिए, इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने वाले हमारे संवाददाता रफी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर उनसे बातचीत करते हैं। रफी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये तमाम आपने रिपोर्ट तैयार की और काफ़ी मेहनत की ग्राउंड पे, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है और वजह ये बताइए कि क्या वजह रही कि काशीपुर में कांग्रेस के हाथ अभी तक खाली रहे हैं और इस बार किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। देखिए विपुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य की नगरी काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी के नाम से मशहूर है और ये वर्षों से कांग्रेस के लिए वरदान साबित होती रही है, लेकिन जिस तरीके से काशीपुर में लंबे समय से कांग्रेस के हाथ राजनीतिक स्तर पर देखे जाए तो पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। चाहे बात अगर हम विधानसभा की करें तो वो भी खाली है और अगर हम मेयर या पूर्व में नगर पालिका की करें तो उसमें भी खाली हाथ रहे हैं। इसमें अगर वजह की बात करी जाए तो सबसे मुख्य वजह यह है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के लंबी दौड़ रही है शुरू से ही, और आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस में टिकट के लिए जो मारामारी नजर आ रही है उसमें फेरिस्त तो काफी लंबी है, लेकिन मुख्य तौर से अगर जो बात करी जाए दावेदारों की तो 3 दावेदार इसमें उभर करके सामने आए हैं जो कि हॉल में सबसे आगे हैं। अगर संदीप सहगल की बात करें तो संदीप सहगल जहां अपना टिकट पक्का मान करके चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सचिव
काबिज रहे लंबे समय से जो कांग्रेस में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं अरुण चौहान, वो अपनी सीट को टिकट को पक्का मान करके चल रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ अल्पसंख्यक कोटे से आसिफ रजा का मानना है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। कुल मिलाकर के दावेदार अपनी अपनी जो है दावेदारी को मजबूत पुख्ता करके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये अभी स्पष्ट कहना मुश्किल है कि इनमें से बाजी कौन मारेगा। जी मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के लिए, इस बार क्या मुद्दे रह सकते हैं और क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्योंकि दावे कांग्रेस की तरफ से तमाम किए जा रहे हैं हर जो है निकाय चुनाव को लेकर के, अलग अलग जगहों को लेकर के, काशीपुर को क्या दावे लेकर के क्या दावे किए जा रहे हैं। अगर मुद्दों की बात करी जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि काशीपुर में लंबे समय से चाहे फ्लाईओवर की बात हो या यातायात चौपट व्यवस्था की बात हो या बिजली पानी और सड़कों की दुर्दशा की बात हो, ये मुख्य मुद्दे हैं जो कांग्रेस अगर चाहे तो बना सकती है। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने इससे पहले सवाल में मुझसे पूछा था कि क्या वजह है कि जो कांग्रेस के हाथ खाली है, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो लंबे समय से गुटबाजी बन करके उभरी है और वो गुटबाजी इस कदर हावी होती चली गई कि आज लंबे समय से कांग्रेस मेयर की सीट से अपने आप को दूर रखे हुए। अगर कांग्रेस गुटबाजी से उभर कर सामने आ जाए तो निसंदेह कांग्रेस के लिए सीट पर काबिज होना बड़ी बात नहीं। अगर जो ये मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता इन मुद्दों के लिए हमेशा सड़कों पर आती रही है, अगर इन मुद्दों को केस करा जाए तो काशीपुर में कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। चलिए रफी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और इस विश्लेषण के लिए। अब जरा हमारे साथ अरुण चौहान जी जुड़ चुके हैं। आपको अपने दर्शकों को बता दें कि एक हमारी जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ये भी एक बड़े दावेदार हैं, प्रदेश सचिव हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, शुभकामनाएं आपको साहब, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप प्रदेश सचिव हैं उत्तराखंड कांग्रेस के और साथ ही साथ हमने जो सर्वे किया है उसमें कांग्रेस की तरफ से सीट के लिए बड़े प्रबल दावेदार भी हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ वो खास बातें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, लेकिन आपका जवाब लें उससे पहले कुछ बड़े सवाल हैं वो जरा इस काशीपुर को लेकर के हम अपने दर्शकों के सामने ले आते हैं। पहला सवाल यही कि टिकट के लिए काशीपुर कांग्रेस में आखिर में क्या कसरतें तेज हो चली हैं? सवाल नंबर दो, एक अनार 100 बीमार वाली हालत से कांग्रेस कैसे पार पाएगी? टिकट एक है, दावेदार कई हैं। सवाल नंबर तीन ये, किसी एक नाम पर सहमति बनेगी कैसे? वैसे भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरें लगातार आती रही हैं काशीपुर के अंदर भी। अगला सवाल ये, काशीपुर कांग्रेस में कहीं टिकट को लेकर के सिर्फ अटोवल की स्थिति तो नहीं बन पाएगी? और आखिरी सवाल ये कि सिफारिश या फिर काम, क्या आधार होगा टिकट मिलने का? चलिए तो हमारे साथ अरुण चौहान जी हैं। अरुण चौहान जी सबसे पहले तो बताइए क्यों मिले आपको टिकट? जी मैं बहुत समय से पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी के प्रति जो लगातार बना रहा हूँ मैं और पार्टी की जनता की सेवा करता रहा हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मुझे पार्टी निश्चित ही टिकट देगी। और बाकी रहा पार्टी के टिकट देने का बारे में तो हाईकमान जो फैसला करेगा वो हम सबको मान लें। नहीं, हाईकमान तो फैसला करेगा, ये आपके साथ बहुत सारे आपके जो सहयोगी हैं वो इस समय प्रतिद्वंदी होंगे, तो आप उनसे अलग क्या हैं, आप क्यों आपको टिकट दिया जाए, सवाल इस बात को लेकर के है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं और सभी टिकट के लिए अपनी अपनी तरफ से पूरी जुगत लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, काम मैटर करेगा या फिर किसकी कितनी सिफारिश है, किसकी कितनी पहचान है, वो चलेगा इस बार टिकट में? मैं अपनी तरफ से बता दूं आपको जी कि मैं पार्टी में सालों साल काम करता रहा हूं, चाहे पर्यवेक्षक के रूप में रहा हूं, चाहे प्रदेश सचिव के रूप में काम किया हो, चाहे नगर के रूप में काम किया हो, उस वजह से और जनता के बीच में मैं मंडी परिषद का सदस्य भी रहा हूं और उसमें भी मैंने काम किया है। मैं लगातार कार्य करता रहा हूं पार्टी के लिए, इसलिए मैं जानता हूं कि पार्टी हाईकमान और पार्टी के नेता सब जो भी उनकी जानकारी में है कि कौन कार्यकर्ता क्या वर्क करता है,
और ऐसा नहीं है, पार्टी में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको पार्टी टिकट देती है, उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी से काशीपुर की दूरी हुए बहुत लंबा समय हो गया, क्या वजह है कि पंजे को इस तरीके से काशीपुर के लोगों ने दरकिनार किया हुआ है, और क्या वजह वो हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप पंजे को यहाँ पर जिता सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले नगर पालिका चेयरमैन रही उषा चौधरी जी, अब मेयर भाजपा उषा चौधरी जी है। मैं आपको बताऊं, नगर के अंदर जब कभी यदि बरसात हो जाती है तो ये स्थिति हो जाती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, और यहाँ व्यापारी जो है वो सुबह को जब उठ के देखते हैं रात को बारिश होती है तो लाखों का नुकसानों का हुआ होता है। ये आपकी चैनल ने भी चलाया होगा, आपको मालूम भी होगा, आपकी जानकारी भी होगा, बहुत बुरी स्थिति होती है यहाँ पर पानी की। और आजकल टेक्नोलॉजी युग है, टेक्नोलॉजी है आजकल बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो 10 साल के अंदर मेयर साहिबा ने अभी तक ये कदम नहीं उठाया कि शहर के पानी का निस्तारण कैसे हो, कैसे इस पानी शहर की इसको जो पानी को हटाया जाए इससे। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, अभी भाजपा द्वारा प्रशिमन किया गया, हमारे यहाँ 20 वार्ड थे वो 40 वार्ड कर दिए गए। अब पहले ही जब वार्डों के अंदर लाइट की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, सड़कें सुदृढ़ नहीं है, तमाम ऐसी चीजें समस्याएं मुंह बाहर करेंगे, उसके बाद 20 वार्ड हो रहा है। 20 वार्ड जो आए हैं कुछ लोग उसमें आने के लिए इच्छुक नहीं है, और पंचायत के लोग यहाँ आने के बाद कोई तो ये महसूस कर रहा है शायद हमारी पंचायतों में अच्छा काम हो जाता अब नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जो परिसीमन के अंदर आना चाहता है वो तो ठीक है, जो नहीं आना चाहता तो उसको नहीं लेना चाहिए, किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए। परिसीमन का मुद्दा क्या आप लोग उठाएंगे, और दूसरा कांग्रेस की तरफ से बड़े मुद्दे क्या होंगे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर जो बाकी दावेदार हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पे, उनसे भी सवाल करते हैं। कांग्रेस की तरफ से तो हमारे साथ बहुत मुद्दे हैं, कांग्रेस की तरफ से तो ये समझ लीजिए कि आज आप शहर में निकल कर चले जाइए, किसी महिला से अगर बात कर लीजिए, कह लीजिए सिलेंडर कितने का है, किसी टाइम सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, आज 800 रुपए का है, चीनी पूछ लीजिए, महंगाई का ये हाल हो गया, हमें सब्सिडी मिलती थी। चलिए सर, समय की कमी है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका समय समाप्त होता है, हम अपनी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको अरुण जी देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आसिफ रजा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, अब हमारे साथ आसिफ साहब से बातचीत करते हैं। आसिफ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आसिफ साहब पहला सवाल आपसे यही है कि क्यों आपको जो है कांग्रेस पार्टी काशीपुर के अंदर अपना चेहरा बनाए, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, अभी एक दावेदार अरुण जी से हम बातचीत कर रहे थे, उनसे भी हमने जाना, उन्होंने भी कहा कि लंबे समय से सदस्य हैं, कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने काम किया है, आसिफ रजा साहब को टिकट क्यों मिले? सर एक्चुअली मैं बहुत समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, और एक अल्पसंख्यक कांग्रेस में मैंने बहुत समय से काम किया है, लगभग मेरे को 14 साल हो गए हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का मैंने काम किया, इसलिए मेरे को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि आज युवाओं का जमाना है, मैं एक युवा भी हूँ, मुझे उम्मीद है कि हाईकमान मेरे को टिकट देगा, और ये जो एक काशीपुर में कांग्रेस पार्टी बहुत समय से हार का सामना कर रही है, मैं समझता हूँ यदि मुझे टिकट मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को मैं ये निश्चित रूप से जीत का दिखाऊंगा, और यहाँ से चुनाव 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी यदि मुझे टिकट मिलता है। आसिफ साहब अभी हमारे साथ जो बाकी लोगों से भी हम बात कर रहे थे, वो लोग भी बता रहे थे कि कितने कितने सालों से वो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ये बता रहे थे कि इन इन कारणों से हम जीत दिला सकेंगे। आसिफ रजा बाकी जो दावेदार हैं, क्योंकि हमारे सर्वे में तो आप एक बड़े दावेदार हैं, जो 3-4 नाम हमने निकाले हैं उसमें आप भी एक बड़े दावेदार हैं, लेकिन आसिफ रजा साहब को ही टिकट बाकी दावेदारों के मुकाबले क्यों मिले, वो खास बात क्या है, वो जरा हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, एक्चुअली यदि चुनाव कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देती है चुनाव में, तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग मेरे को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, मेरा कोई आपस में कोई काट नहीं है, मैं एक साफ छवि का युवा हूँ, और मुझे सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे,
और मैं चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा, इसलिए मेरे को टिकट मिलना चाहिए और मैं काशीपुर से कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाऊंगा। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जैसे जो बाकी दावेदार हैं, जैसे अरुण जी से बात हो रही थी या बाकी लोग जो हैं राजीव अग्रवाल वगैरह हैं, इन लोगों को टिकट अगर मिलेगा तो आप ये कह रहे हैं कि वो शायद कांग्रेस पार्टी हार जाएगी? और कांग्रेस पार्टी के अब तक लगातार पिछले लंबे समय से काशीपुर ना जीत पाने का बड़ा कारण, बहुत संक्षिप्त में। जी बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि चाहे वो अरुण चौहान जी हो चाहे संदीप सहगल जी हो, कांग्रेस हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को टिकट मिलेगा तो मैं उनको नहीं लड़ाऊंगा। मैं चुनाव बिल्कुल लड़ाऊंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ और हम लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी, हमारा हाईकमान जिसको भी टिकट देगा हम उसको लड़ाएंगे। क्योंकि मैं युवा हूँ, एक माइनॉरिटी से हूँ, संगठन में बहुत समय से काम कर रहा हूँ, काशीपुर की जो हालत है वो युवा ही बदलेगा ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मेरे को टिकट मिलेगा तो काशीपुर से निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आसिफ रजा साहब हमारी तरफ से आपको, आपकी दावेदारी जो है वो जो है टिकट में तब्दील हो, हम यही शुभकामनाएं दे सकते हैं आपको। बाकी आखिरी फैसला आपकी पार्टी को करना है और सबसे बड़ा फैसला जनता को करना, और इसीलिए एक एक व्यक्ति के विचार, उनकी बातें, उनका पूरा बायोडाटा हम लोगों के सामने रख रहे हैं। अब देखते हैं काशीपुर की जनता और अलग अलग पार्टियों के लोग क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। बीजेपी के भी लोगों से हमने आपको मिला दिया और कांग्रेस के भी। फिलहाल काशीपुर को लेकर के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते जनता क्या कह रही है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जैन टीवी के साथ। जो काशीपुर को साफ स्वच्छ बना सके, सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, सड़कें यहाँ की बहुत खराब है, सड़कें सही होनी चाहिए। जनता तो ऐसा मेयर चाहती है जो शहर को समुचित तरीके से उनकी समस्याओं को समझते हुए जो जनता की मेन समस्याएं हैं उनका हल करे और हर प्रकार से जनता उसमें खुश रहे, इस तरह का मेयर चाहती है। ऐसा मेयर चाहिए जो इस शहर का विकास करे। गंदगी बहुत हो रही है शहर में, वार्डो में बहुत गंदगी है। लगता है कि सफाई हो रही है लेकिन सफाई की नाम मात्र की सफाई है। नालियों में इतना इतना गारा है कि आप देखोगे ना तो उसमें आदमी डूब जाएगा पूरा। जो काशीपुर को साफ सुथरा सही बना सके, नालियां पक्की बना सके, रोड्स अच्छे हों, बस ये ऐसा ही होना चाहिए। काशीपुर का मेयर एक ऐसा होना चाहिए जो अमीरी गरीब का फर्क ना समझे, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भेदभाव ना हो, शहर के अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे और सब को अपना एक सूत्र में पिरो के रखे